अभी तक की स्थिति आपको पता ही है कि वारदातें हुई है। रात में कुछ लोग आए थे, कुत्ता भौंकने लगा, फिर वो एंटर किए। यहाँ पति पत्नी ही रहते हैं, संभ्रांत लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं और सिर्फ दो ही लोग रहते हैं। पता चला है और देखने से स्थिति हो रही कि 6-7 लोग तो थे। इन्होंने मुंह वगैरह बांध के फिर घर की पूरी ही तलाशी ली। मतलब यू कांट इमेजिन कि एक एक गठरी तक खोल के देखे थे। इससे कुछ चीज़ों पे हम लोगों का इशारा जा रहा है और आस पड़ोस के CCTV वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन उस रास्ते पे हमको सफलता मिलती नज़र आ रही है। तो अब हम उस जो भी लिंक मिल रहे हैं उसको डेवलप करते हैं, फिर जैसी स्थिति होगी आपको बताया जाएगा। सर्जिकल ग्लव्स, देखिए जैसा आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ की लोकल बघेली भाषा में उन्होंने गाली वगैरह दी, बात किया, आपस में चर्चा कर रहे थे, तो इससे कोई मुझे बाहर का तो गैंग अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कुछ यहीं नए लड़के हों और क्योंकि हाईवे पे है और मुंह बांधे हुए थे, और मुंह बांधने का मैंने पूछा कपड़ा कौन सा था, तो गमछा जैसा यहाँ चलता है अपने क्षेत्र रीवा क्षेत्र में कि गमछे से मुंह बांध के लोग निकलते हैं, वही पाया जा रहा है अभी तक। तो कुछ चांस फिंगरप्रिंट भी मिले हैं, उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और प्रयास जारी है। पूरी SIT का गठन हो गया है, IG साहब ने SIT का गठन कर दिया है और आप अभी देख रहे हैं पूरी SIT लोग SIT को ही लेके यहाँ SP साहब खुद लगे हुए हैं। 2-3 बार वो भी घटना स्थल पे आ चुके हैं। तो कुछ चीज़ें जो मिलती है उसको लिंकअप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन प्रयास जारी है। सर, पारदी गैंग के तर्ज पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पारदी गैंग, मैंने कहा ना आपको कि अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मारपीट नहीं, तो एक एक सामान आप देखेंगे पूरा खोल के, पलंग के अंदर, छत में जो 2 छत्ती बनी होती उसमें घुस के, और फिर उसके बाद इनको कोई ऐसा डैमेज नहीं किया उन्होंने, जनहानि की कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वो एंगल आया है। एंगल सिर्फ यही था कि पैसा लूटो, और इन्फॉर्मेशन हो सकता है उनके पास ज़्यादा की रही हो। प्रयास जारी है। कापना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा।